तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल की किल्लत साफ तौर पर देखने को मिल रही है। दोनों ही प्रदेशों में कई पेट्रोल पंप बंद पड़े हुए हैं, जबकि कई पेट्रोल पंपों पर इनकी आपूर्ति कम है, जिससे ग्राहकों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। मध्य प्रदेश के विदिशा में तो रविवार को लोग ड्रमों में भर भर कर डीजल पेट्रोल ले जाते हुए दिखाई दिए। वही छत्तीसगढ़ सीएम का कहना है कि प्रदेश में एक दिन का बफर स्टॉक बचा हुआ है और ऐसे में अब लगातार जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती जा रही है। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर पेट्रोल और डीजल की किल्लत जो है साफ तौर पर देखने को मिल रही है, और इन्हीं राज्यों में से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी एक है। पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की किल्लत की खबरें लगातार सामने आ रही है। मध्य प्रदेश की वास्तविक स्थिति क्या है, इसको लेकर हम बातचीत करेंगे डीलर से। लेकिन दो दिन पहले ही जो है भोपाल कलेक्टर ने डीलर्स एसोसिएशन की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें कई बड़े निर्णय भोपाल को लेकर लिए गए हैं। लेकिन खबरें ये भी सामने निकल के आ रही हैं कि राजधानी भोपाल के जो प्राइवेट पेट्रोल पंप है, नायरा या रिलायंस की बात करें, तो तकरीबन ऐसे 18 पेट्रोल पंप है जो फिलहाल में बंद हो चुके हैं। दो दिन सर पहले बैठक हुई थी, इस बैठक में क्या कुछ निर्णय हुआ था और क्या वास्तविक स्थिति, क्योंकि जनता लगातार जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं मैसेज पेट्रोल डीजल को लेकर, इससे भ्रमित है, तो क्या वास्तविक स्थिति है, थोड़ा सा विस्तार से बताइए। परसों प्रिंसिपल सेक्रेटरी फूड और कलेक्टर साहब के साथ जो मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने प्राइवेट जो कंपनीज हैं रिलायंस और नायरा, उनको पेट्रोल पंप फिर से खोलने की आदेश दिया था। और खास तौर पे शहर में अगर देखा जाए तो अभी ऐसी कोई किल्लत या ऐसा कोई सप्लाई की कमी है थोड़ी बहुत, लेकिन बहुत ऐसा नहीं है कि उसके लिए पैनिक किया जाए। क्या ऊपर से ही सप्लाई कम मिल पा रही है, क्योंकि कुछ दिन पहले एक पत्र भी लिखा गया था मुख्य सचिव को कि जो खपत है खपत से काफी कम जो है पेट्रोल डीजल आप लोगों को मिल रहा है? हाँ, आज से 10 दिन पहले ऐसा लग रहा था, लेकिन अभी फिलहाल खास तौर पे शहरों में, ग्रामीण अंचलों का नहीं कह सकते भी, लेकिन खास तौर पे शहरों में तो अभी पेट्रोल डीजल की लगभग सामान्य, कुछ एक चुनिंदा जगहों को छोड़ के। पहले खपत से कम आपको पेट्रोल डीजल? खपत से कम तो नहीं मिल रहा था, क्योंकि ड्राई आउट शहर में तो कम ही हुए हैं, लेकिन हाँ मतलब थोड़ा सा डिले हो रहा था। एक बात और सामने निकल के आ रही थी जो बैठक में चर्चा हुई है, कि एक टाइमिंग को लेकर प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी इस बैठक में मौजूद थे, आप भी बैठक में मौजूद थे, कि सुबह 9 बजे से सुबह 8 या 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक, तो क्या टाइमिंग को लेकर भी कुछ पेट्रोल पंप ने बात की? नहीं, पेट्रोल पंप का नहीं, वो आपका कंफ्यूजन है, वो डिपो की टाइमिंग की बात थी। वो डिपो सुबह 7 से लेकर रात को 11 बजे तक खोलने का निर्देश दिया था। पेट्रोल पंप तो जिस समय में खुलते हैं सभी पेट्रोल पंप उसी समय में खुल रहे हैं। तो अभी स्थिति जो है मध्य प्रदेश में तो अभी पूरा ऐसा नहीं कह सकता, लेकिन शहरी इलाकों में तो अभी ठीक है स्थिति, बाकी ग्रामीण इलाकों में क्योंकि अभी कृषि का भी सीजन है तो थोड़ा हो सकता है कुछ दिक्कत आ रही है। बिल्कुल साफ तौर पे कह सकते हैं कि दो दिन पहले ही जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने पेट्रोल डीजल एसोसिएशंस और डीलर्स की एक बैठक बुलाई थी। इस बैठक में लगातार जो बातें सामने निकल के आ रही थी कि पेट्रोल डीजल की किल्लत हो सकती है, लेकिन ये शहरी इलाका है राजधानी भोपाल का, भोपाल के शहरी इलाके में इस तरह की अभी कोई भी खबरें सामने नहीं आ रही है। हालांकि कुछ ऐसे जरूर प्राइवेट पेट्रोल पंप नायरा रिलायंस के हैं, तकरीबन 18 जो कि बंद हो चुके थे, लेकिन कलेक्टर ने इन्हें साफ तौर पर निर्देश दिए कि आप जल्द से जल्द जो है पेट्रोल पंप को चालू करिए और जनता को किसी प्रकार की जो है असुविधा नहीं होना चाहिए। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों की हम बात करें तो वहां पे जरूर किल्लत जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस समय खेती का समय है, बोनी कटाई का समय चल रहा है, तो वहां ग्रामीण क्षेत्रों में जो है ऐसी स्थितियां बनी हुई है, लेकिन शहरी इलाकों में जो है स्थिति सामान्य है। कैमरामैन सुनील वर्मा के साथ कुलभूषण सक्सेना, इंडिया न्यूज भोपाल। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।